ओम शांति। एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी बात है जो हमें अपने जीवन को, समय को बचाए रखने की प्रेरणा देती है। एक बार एक राजा घोड़े में सवार होकर जंगल की ओर गया, परंतु जंगल इतना घना था, उसमें चारों तरफ घुमाव ही घुमाव था। राजा को कोई मार्ग ही समझ में नहीं आने लगा। राजा उस जंगल में फंस गया। उसे डर लगने लगा क्योंकि वो थक चुका था मार्ग ढूंढते ढूंढते। तभी उसे एक पेड़ कटते हुए आवाज़ आती है। वो उस दिशा में अपने घोड़े को लेकर चलता है। वहाँ देखा एक जो है लकड़हारा है, वो पेड़ काट रहा था। राजा ने उससे मदद मांगी, रास्ता पूछा। राजा काफ़ी प्यासा भी था। उस लकड़हारे ने राजा की प्यास बुझाई, उसे मार्ग बताया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मेरे पास जितना भी चंदन का जंगल है वो मैं तुम्हें सौंप देता हूँ, वो तुम्हें उपहार स्वरूप मैंने दे दिया, समझ लीजिए। और राजा वो जंगल दे करके ढेरों सारे चंदन के पेड़ वहाँ से निकल गया। अब उस लकड़हारे को बहुत खुशी होती है कि वाह, मुझे तो चंदन का बहुत सारा बड़ा सा जंगल मिला है, ढेरों सारे पेड़ मिले हैं। बहुत प्रसन्न रहता है। राजा भी प्रसन्न है, पर राजा ने उसे बहुत ही ऊंचे उद्देश्य के साथ दिया था चंदन का बगीचा, वो समझ नहीं पाया था। उस लकड़हारे का धंधा था, वो लकड़ियाँ काटता था और कोयला बना के बेचा करता था। उसे चंदन का महत्व नहीं पता था। उन्होंने चंदन के पेड़ों को भी वैसे ही काटा और काट काट के जला जला कर बेचना प्रारंभ कर दिया। अंततः पूरा का पूरा जंगल सालों बाद खत्म होने जा रहा था। राजा ने सोचा, चलो एक बार मिल तो आऊँ उस लकड़हारे से, वो तो अभी तक बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया होगा, उसकी गरीबी खत्म हो गई होगी। परंतु क्या, राजा ने देखा चंदन का पूरा जंगल कहें, बगीचा कहें, वो समाप्त होने चला था, परंतु वो व्यक्ति गरीब का गरीब ही था। राजा ने कहा, तुम अभी तक तुम्हारी जीवन की दरिद्रता समाप्त नहीं हुई, ऐसा क्यों? तुमने तो पूरा का पूरा जंगल को भी तुमने समाप्त कर लिया, तो भी तुम्हारे पास में धन पैसा क्यों नहीं आया? वो कहता है, क्या मालिक, जैसे वो पेड़ वैसे ये पेड़, मैंने काटा, जलाया, बेचा। राजा को बहुत ही दुख होता है कि ये क्या, मैं इसे बताना भूल गया कि वास्तव में चंदन की लकड़ियाँ ही इतनी महंगी होती हैं कि उसे कोयले बनाने की ज़रूरत नहीं थी। पर ना समझी, उस व्यक्ति को नहीं पता था कि कोयला नहीं, डायरेक्ट लकड़ियाँ बिकती हैं, चंदन बनता है। वो अनभिज्ञ था, इसी वजह से महत्व ना समझकर कोयले में बदल डाला। ऐसे ही तो हमें भी कुछ समझने की ज़रूरत है। हम भी इस जीवन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। हम समय को, एनर्जी को, अपने श्वासों को क्षण क्षण बर्बाद करते जाते हैं, व्यर्थ में, गलत चीज़ों को सुनने में, गलत बातें बोलने में हमारा जीवन समाप्त होता जा रहा है। गलत सोच सोच करके समय बर्बाद हो रहा है। हम इस हीरे तुल्य जन्म को, जिसे हम चंदन की तरह, हीरे की तरह कह सकते हैं, इसे ना जाने हम क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हम जहाँ थे उससे भी नीचे हालतों में आते जा रहे हैं। पहले तो खुशियाँ होती थी आज से कुछ वर्षों पूर्व, पर आज तो हमने खुशी को भी तिलांजलि दे रखी है। आइए हम अपने जीवन के महत्व को समझें। ये खुशबू देने वाला जीवन है, इसे हम कोयला बनाकर बर्बाद ना करें। मैं आप सभी से यही शुभ इच्छा रखती हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।